हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 17 मार्च 2022। होली का पवित्र दिन है, तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, D++B की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं और एक जो पहले अपडेट आई थी वो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी हम लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी क्वेरीज थी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं ये एडमिट कार्ड इनके रिलीज कर दिए गए हैं। आपका जो लिंक है वो जनरेट किया जा चुका है, वेबसाइट पर इनको अपलोड कर दिया गया है। ये जो पोस्ट कोड आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके ये एग्जामिनेशन मार्च में शेड्यूल किए गए थे, जिनके पोस्ट कोड हैं 15/21, 12/21, 28/21, 27/21, तो इन पोस्ट कोड के एडमिट कार्ड अभी अभी रिलीज किए गए हैं। किस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे और कौन कौन सी ये पोस्ट है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, इस लिंक पर जो ये आपको येलो येलो ग्रीन सा लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से ये ओके और कैंसिल दो ऑप्शन आपके पास है, ओके को आप प्रेस कीजिएगा, तो इस तरह से ये आपका लॉगिन पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कैंडिडेट लॉगिन में आप जाएंगे तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, जिस मैप पर आपने वैकेंसीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था फ्रेंड्स, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ आप डाल दीजिएगा। और इस कॉलम में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको पुट करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको सिंगल डिजिट नहीं डालना है। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 मई है, ठीक है, तो आप क्या डालेंगे यहाँ पर 04/ डालेंगे 05, उसके बाद ईयर पूरा आपको लिखना है 4 के 4 नंबर में, जैसे कि आपका 1990 का है या 1995 का है, तो पूरा ईयर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप 7 कैरेक्टर सोन इन इमेज, तो ये जो इमेज में आपको यहाँ कैप्चर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इसको आप डाल करके यहाँ लॉगिन कर देंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी ऑप्शन आपको शो हो जाएगी। तो एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो प्रोसेस थी आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की, और कौन कौन सी पोस्ट के एडमिट कार्ड रिलीज किए गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, ये 7/2/2022 को ये रिलीज किया गया था और नोटिफिकेशन था ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपके कंडक्ट किए जाने हैं मार्च 2022 में, तो ये शेड्यूल आपका जारी किया गया था। और फ्रेंड्स, कौन कौन सी पोस्ट के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी जो एक तो लैब अटेंडेंट की काफी क्वेरी जा रही थी, और फ्रेंड्स हमने देखे, आप लोगों को पहले ही बताया था कि होली तक आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और हमारी बात 100% यहाँ पर बिल्कुल सच निकली है, एक्यूरेट निकली है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी जो प्रेडिक्शन है, पहले भी हमने एडमिट कार्ड की जो आपको बताई थी एग्जाम के शेड्यूल की, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी मिली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 15/21 जो जूनियर इंजीनियर E&M ये दिल्ली जेल बोर्ड की वैकेंसी थी, तो इनके लिए 15/21 इस पोस्ट कोड के लिए फ्रेंड्स आपका ये यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है, और 12/21 जो की लैब अटेंडेंट के लिए थी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो इनके एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर 28/21 जो कारपेंटर सेकंड क्लास है, दिल्ली जेल बोर्ड की वैकेंसीज है, और 47/21 47/21 ये पोस्ट कोड है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ये MCD वाली फ्रेंड्स आपकी जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसीज है 47/21 इनका भी जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज किया जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो 15/21, 12/21, 28/21 और 47/21 जो ये आपके एग्जाम का शेड्यूल दिया गया था, इन पोस्ट कोड के आज एडमिट कार्ड आपके रिलीज किए जा चुके हैं, और किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे ये हमने आपको बता दिया है। और फ्रेंड्स, आज D++B का ये एक रिजल्ट भी आज अनाउंस किया गया था, रिजल्ट नोटिस नंबर 1433, ये अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए था, आज की ही डेट में इसको भी डिक्लेयर किया गया था, रिजल्ट नोटिस नंबर 1433, अकाउंटेंट अंडर पोस्ट कोड है 17/20 इन DTC, तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो चैनल पर अपलोड की गई है, उसमें कट ऑफ वगैरह की सारी डिटेल आपको बता दी गई है। इसका जो Tier 1 का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है, और Tier 2 की अपडेट आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यही एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और जैसे कि आप लोगों की क्वेरी जा रही थी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, एग्जाम शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स आई होप आज आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और हमने जो आपको बताया था आज होली के दिन ही आपका ये एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी को गुड लक, बेस्ट विशेस, मिलते हैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।